पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव का एग्जिट पोल आ गया है। कौन कम बैक कर रहा है, किसको सेट बैक लग रहा है, एक एक राज्य का फीडबैक आ चुका है और इसी के आधार पर कई चौंकाने वाली बातें भी निकल कर आ रही हैं। मध्य प्रदेश में किसकी सरकार आ सकती है, राजस्थान का रण कौन जीतने वाला है, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में क्या होने वाला है, एग्जिट पोल से पब्लिक का क्या मैसेज सामने आ रहा है, एक एक समीकरण हम आपको समझाएंगे, नतीजों से दो दिन पहले का अनुमान आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले पांच राज्यों से आए रुझान हम आपको बता देते हैं। इंडिया टीवी सीएनएक्स के एग्जिट पोल्स के मुताबिक मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान कमाल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं आश्चर्यजनक ओपिनियन की, इस एग्जिट पोल की। लैंडस्लाइड विक्ट्री हो सकती है, जो अनुमान लगाया गया है वो लैंडस्लाइड विक्ट्री का है, दो तिहाई बहुमत मिल सकता है। राजस्थान चुनाव कांटे का चुनाव रहा, कांटे का मुकाबला रहा, लेकिन कांग्रेस की सरकार एक बार फिर रिपीट हो सकती है। एग्जिट पोल ये कह रहा है कि कम बैक हो सकता है, राजस्थान का रिवाज बदल सकता है। छत्तीसगढ़ में जो एग्जिट पोल्स के नतीजे आए हैं वो पुराने अनुमान के ही मुताबिक है। कांग्रेस की सरकार बड़ी आसानी से रिपीट करती हुई छत्तीसगढ़ में दिखाई दे रही है, लेकिन सीटें कम हो सकती हैं, यानी कि पिछले रिजल्ट के मुकाबले इस बार भूपेश बघेल सरकार की सीटें कम हो सकती हैं। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि इस एग्जिट पोल के मुताबिक कक्का कमाल करते नजर आ रहे हैं। तेलंगाना से भी कांग्रेस के लिए गुड न्यूज आ रही है। एग्जिट पोल के मुताबिक केसीआर की विदाई तय है, तेलंगाना में पहली बार कांग्रेस को सत्ता मिलेगी। आइए आपको बताते हैं कि पांच राज्यों का एग्जिट पोल क्या कहता है। कांग्रेस के लिए खुशी की खबर एग्जिट पोल लेकर आया है। हम इंडिया टीवी सीएनएक्स एग्जिट पोल की बात कर रहे हैं, जहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे की तस्वीर आपको इसलिए दिखाई दे रही है, कांग्रेस पार्टी यहां पर तीन राज्य जीती हुई नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा सेटबैक है मध्य प्रदेश में, जहां पर खुशी है, जहां पर बीजेपी की सरकार इतनी लंबे अंतराल के बाद भी अगर मध्य प्रदेश की जनता शिवराज सिंह चौहान की सरकार पर भरोसा जता रही है तो ये वाकई में कमाल की बात है। एक राज्य बीजेपी के पास, और बाकी हम जो बात करें मिजोरम की भी, वहां पर कांग्रेस और बीजेपी के बजाय क्षेत्रीय दल की सरकार बन सकती है। ये तो इंडिया टीवी के और सीएनएक्स के एग्जिट पोल की बात हमने आपको की। स्कोर कार्ड आपके सामने है, 2024 से पहले का ये जो सेमीफाइनल रिजल्ट है वो आपके सामने है। और अब एक एक करके हम सीटों की बात करेंगे, राज्यों की बात करेंगे, और सबसे पहले आप देखिए मध्य प्रदेश की स्थिति। मध्य प्रदेश में 140 से लेकर 159 सीटें बीजेपी ला सकती है, ये क्लियर मैंडेट है, ये बम्पर जीत आप इसे कह सकते हैं। वहीं कमलनाथ का चेहरा आप देख रहे हैं, इन्हीं के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया है। और मध्य प्रदेश में इतने लंबे वनवास के बाद भी कांग्रेस के लिए वापस आना मुश्किल दिखाई दे रहा है, नामुमकिन सा दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये तो कांटे का मुकाबला भी नहीं है। बहुमत के लिए जहां 116 सीटें चाहिए होती है, बीजेपी दो तिहाई से ज्यादा सीटों के साथ सरकार बनाती हुई दिख रही है और मध्य प्रदेश में कांग्रेस को बड़ा झटका लग रहा है। एग्जिट पोल के मुताबिक मध्य प्रदेश में कांग्रेस 70 से 90 सीटों के बीच में सिमट जाएगी। पिछले चुनाव में कांग्रेस को 114 सीटें मिली थी, जबकि बीजेपी 109 पर रह गई थी, लेकिन इस बार बीजेपी को 50 सीटों तक का फायदा होता दिखाई दे रहा है, जबकि कांग्रेस को 24 से लेकर 44 सीटों का नुकसान होता दिखाई दे रहा है। अब जब सीटों में इतना अंतर है तो जाहिर है ये वोट शेयर में भी दिखाई देगा। तो वोट शेयर क्या कहता है, ये मैं एक बार फिर दोहरा दूं, ये एग्जिट पोल है। नतीजा 3 दिसंबर को आएगा, लेकिन ये एग्जिट पोल है, एग्जिट पोल के नतीजे हम आपके सामने रख रहे हैं। वोट शेयर में इस बार बीजेपी को जबरदस्त फायदा होता दिखाई दे रहा है। पिछली बार बीजेपी को जहां 41% वोट मिले थे, और इस बार उसमें 5% की बढ़त दिखाई दे रही है, जबकि कांग्रेस को 3% के घाटे के साथ करीब 38% वोट मिल सकते हैं। निर्दलीय और दूसरी पार्टियों को 16% वोट मिलने का अनुमान है, जो पिछली बार से 3% कम होगा।
इस बार कांग्रेस के हौसले बड़े बुलंद थे कि एंटी इनकंबेंसी का फायदा उन्हें मिलेगा, उनकी सरकार बन जाएगी, लेकिन ना वोट शेयर में और ना जो हमने सीटें आपको दिखाई उसमें ये बात दिखाई दे रही है। और बड़ी बात यह है कि इंडिया टीवी फीनिक्स के एग्जिट पोल्स में बीजेपी को दो तिहाई बहुमत मिलता दिखाई दे रहा है। इस तरह से नतीजे जो है दो चैनल्स के एग्जिट पोल्स में भी आए हैं, वो क्या है हम आपको बता दें, पोल ऑफ पोल्स भी है, फिर हम आपके सामने रखेंगे। दो चैनल्स ऐसे हैं जिन्होंने मध्य प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी के बीच कड़ी टक्कर की बात की है। दो सर्वे ऐसे हैं, उनके एग्जिट पोल्स में कांग्रेस को बीजेपी से ज्यादा मजबूत स्थिति में दिखाया गया है। इस वक्त स्क्रीन पर आप ये पूरा देख रहे हैं, इसमें इंडिया टीवी सीएनएक्स का तो पोल हमने आपको बता दिया 140 से 159 तक दिखाई दे रहा है। यहाँ पर बीजेपी मेजोरिटी में सरकार बनाती दिखाई दे रही है। वहीं दूसरे की बात करें, देखिए अब यहाँ पर एक्सिस का जो सर्वे है वो ये कह रहा है कि यहाँ बीजेपी की सरकार बन सकती है, क्लियर मैंडेट ये भी बता रहे हैं। लेकिन वहीं अगर हम बात करें टाइम्स नाउ ईटीजी की, तो ये भी बीजेपी की सरकार बना रही है। पोल स्ट्रेट की बात करें तो इसका सर्वे भी ये कहता है कि बीजेपी सरकार बना सकती है, उतना क्लियर मैंडेट नहीं, लेकिन 116 तक की जो है सीट बीजेपी को दी गई है। 125 से 135 पोल ऑफ पोल्स ये कहता है, 125 से 135 पोल ऑफ पोल्स ये कहता है कि बीजेपी की सरकार मध्य प्रदेश में बन रही है, बहुत ज़्यादा कोई चुनौती है नहीं। यानी ये कहा जा सकता है कि शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पर जनता ने भरोसा जताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो गारंटीज हैं, जो लाडली बहन योजना राज्य सरकार में चल रही थी उसका फायदा मिलता दिखाई दे रहा है। इसलिए पोल ऑफ पोल्स ये कहता है कि यहाँ पर बड़ी आसानी से बीजेपी की सरकार बन सकती है। लेकिन एग्जिट पोल का ये रुझान है, हम आपको बता रहे हैं ये रुझान है, ये एग्जिट पोल है। नतीजा 3 तारीख को आएगा, 3 दिसंबर को। शिवराज सिंह चौहान बड़े खुश हैं इस एग्जिट पोल के बाद, लेकिन कांग्रेस अभी भी बदलाव की उम्मीद कर रही है। ये उम्मीद क्यों है जरा आप सुनिए। मैंने सदैव कहा कि जो एग्जिट पोल कह रहा है वो लगभग जन भावनाएं हैं और हम भारी बहुमत से जीतेंगे। देखो कांटे की टक्कर, कांटे की टक्कर, लाडली बहनों ने सारे कांटे निकाल दिए, कोई कांटा बचे ही नहीं। मैंने ऐसा चुनाव नहीं देखा कि जहां हम जाते थे पुरुषों की भीड़ तो होती थी लेकिन उससे ज़्यादा बहनें आती थी, बेटियां आती थी, बच्चे भी आते थे, और बहनों का जो लाड़ और प्यार मिला वो अद्भुत और अभूतपूर्व है। अभी भी मैं कई जगह जाता हूं तो बहनें दौड़ के आ जाती और ये कहती कि भैया अपन जीत रहे हैं। वो ये नहीं कहती कि बीजेपी की सरकार बनेगी कि आपकी सरकार बनेगी, वो ये कहती कि अपन जीत रहे हैं। अपन जीत रहे हैं मतलब बीजेपी की जीत में बहनों को अपनी जीत दिखाई दे रही है, और इसलिए लाडली बहना ने सचमुच में चमत्कार किया है। मध्य प्रदेश के अंदर 130 सीटों से ज़्यादा कांग्रेस पार्टी को सीटें मिलेंगी, स्पष्ट बहुमत मिलेगा। लोगों में एक भावना थी बदलाव की और बदलाव का वोट मिलेगा। जनता चुनाव लड़ी है, कांग्रेस का छोटा कार्यकर्ता चुनाव लड़ा है, लोग बाग ऊब चुके हैं शिवराज सिंह चौहान उनके झूठे वादों से और भारतीय जनता पार्टी के दुष्कर्मों से, भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से।